नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरें। कर्नाटक में आज बीजेपी का अलग अलग जगह हनुमान चालीसा पाठ। कर्नाटक सीएम बोम्मई बोले, कांग्रेस पहले अपने परिवार के सदस्यों को एसडीपीआई और सीएफआई में शामिल कराए। यूपी निकाय चुनाव पहले चरण को वोटिंग आज, 9 मंडल के 37 जिलों में डाले जाएंगे वोट। सूडान से 135 नागरिकों को लेकर भारतीय वायुसेना के विमान ने जेदा के लिए भरी उड़ान। एससीओ में विदेश मंत्रियों की बैठक, बिलावल भुट्टो भारत आएंगे, चीन के विदेश मंत्री भी होंगे शामिल। पहलवान बजरंग पुनिया ने गृह मंत्रालय को लिखा पत्र, पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। पहलवान विनेश फोगाट ने कमिश्नर दिल्ली पुलिस से की लिखित शिकायत। जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट से लगी रोक के आदेश को चुनौती देगी बिहार सरकार। जंतर मंतर पर चालू रहेगा धरना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले रेसलर साक्षी मलिक। रूस का दावा, क्रेमलिन पर हमले के पीछे अमेरिका का दिमाग। मेरठ पश्चिमी यूपी के कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना का एनकाउंटर। मध्य प्रदेश जबलपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर में की तोड़फोड़। बेकाबू होकर आल्टो कार पर पलटा टैंकर, 7 लोगों की दबकर हुई दर्दनाक मौत। जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने फिर लिखा फिल्मी अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को पत्र। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो एससीओ समिट में शामिल होने के लिए गोवा पहुंचे। गो फर्स्ट ने 9 मई तक अपनी विमान सेवाएं रद्द की, बयान जारी कर मांगी माफी। सीएम और जेडीयू तक पहुंचता है शराब माफिया से 10,000 करोड़, सम्राट चौधरी बीजेपी। डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह से मुलाकात करने पहुंची पत्नी किरणदीप कौर। जम्मू काश्मीर बारामूला में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को किया ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। मणिपुर हिंसा, गृह मंत्रालय ने रैपिड एक्शन फोर्स की 5 कंपनियों को दिल्ली से मणिपुर भेजा। पहलवानों और दिल्ली पुलिस के हंगामे के बाद दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। जम्मू काश्मीर किश्तवाड़ जिले के एक गांव में सेना का हेलीकॉप्टर क्रश, 2 से 3 लोग थे सवार। कनीमोझी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज। मणिपुर चुनाव अधिकारी एसडीएम वीरेंद्र कुमार मित्तल की ड्यूटी के दौरान मौत। यूपी विधान परिषद 2 सीटों पर 29 मई को उपचुनाव, उसी दिन आएंगे नतीजे। उत्तर प्रदेश में पेरेंट्स को झटका, प्राइवेट स्कूल अब नहीं लौटाएंगे 15% फीस, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। केपी एक्सप्रेस में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।